हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेवाड़ की डेलिकेसी, ऐसी सब्ज़ी जिसमें कोई हरी सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। अगर आपके घर पे कोई हरी सब्ज़ी नहीं है तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छी रेसिपी है गाइस, और रेसिपी को पूरा देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। मूंग दाल ली है मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, और सारी दालें हम 2 टेबल स्पून ही लेंगे। चना दाल 2 टेबल स्पून, तुअर दाल, गेहूं का दलिया 2 टेबल स्पून, चावल, मकई का दलिया भी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। आपको ध्यान रखना है 2 टेबल स्पून ही लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो क्वांटिटी ज़्यादा बन जाएगी। सो हम इसमें ले लेंगे मकई का दलिया भी। अगर आप मेवाड़ से हैं तो आपको पता है मकई के दलिये की राब बहुत ही अच्छी बनाई जाती है, वो भी हम इस सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून उड़द दाल। मोगर नहीं लेना है, बिना छिलके वाली नहीं लेनी है, छिलके वाली ही लेनी है। उड़द दाल भी हमने ले ली है। सो सारी दालें और अनाज इसमें आ गए हैं, इसको हम पहले वॉश करके साइड में रख लेंगे, और बाकी की सामग्री अभी और भी आना बाकी है। तो नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे गाइस मुंगेड़ी। ये बनाई जाती है हमारे यहाँ पे चवले की दाल से, और इसमें डलेगी राबोड़ी, जो छावड़ी होती है वो, ये मकई के आटे से बनती है। इन दोनों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं क्वांटिटी 3 टेबल स्पून मैक्सिमम है ये, और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे सूखी मेथी के पत्ते, ये भी इसमें जाएगा। ये हो गई है सामग्री। और मसाले इसमें हम बेसिक से मसाले राई, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डालेंगे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। हींग जाएगी इसमें 1/4 टेबल स्पून, और नमक इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार। सब्ज़ी के टेक्सचर को थिक करने के लिए इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन और 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। लहसुन इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लगभग 8 से 10 कलियां, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो छौंक के लिए हम सबसे पहले एक कुकर ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। अगर आप चाहें तो आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे, और जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हम जो इसका मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। तो एक प्लेट में हम ले लेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मिर्ची की। और इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसमें हम पानी डाल देंगे लगभग 1/2 कप। थिक सा पेस्ट बना के इसको हम साइड में रख देंगे। तो घी भी हमारा एकदम गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे राई 1 छोटा चम्मच। राई को अच्छे से चटकने देंगे। 1/4 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे जीरा, और जो लहसुन हमें कट करके रखा हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और 1/4 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हींग आप ज़रूर यूज़ करिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था वो। गैस की फ्लेम को एकदम कम कर दीजिए ताकि जो मसाला है वो जलेगा नहीं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें हमें आटा और बेसन भी डालना है, उसको भी पहले अच्छे से कुक करना है मसाले में। लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच या 1/2 कप पानी इसमें आप ऐड कर दीजिए। और पानी ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन और आटा। अब इसको 15 से 20 सेकंड के लिए हमें कुक करना है सिम पर। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लीजिए। आटा और बेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको स्किप ना करें। और 10 से 15 सेकंड इसको कुक करने के बाद जो इंग्रेडिएंट्स हमने
इकट्ठे किए थे एक बोल में, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। घी साइड्स पे आ गया है, तो जो बोल हमारा दालों से और सूखी सब्जियों से प्रिपेयर किया था हमने, उसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे और उसको कुकर में डाल देंगे। सारी जो दालें हैं और जो सूखी सब्जियां हैं वो हमने ऐड कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो सूखी मेथी के पत्ते हैं, वो लगभग वो 1 मुट्ठी भर के जो पत्ते हैं वो मैंने लिए हैं सूखी मेथी के। अगर आप चाहें तो हरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसका जो सब्ज़ी का एम है वही ये है कि सारी सूखी सब्जियां इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हरी मेथी के पत्ते जो सूखे हुए हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सारी सामग्री हमारी आ गई है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 बड़े कप। 1 कप हमने पहले डाल दिया है, आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 बड़े कप। अब इसको हमें सिम पर 3 विसल तक कुक करना है, और 3 विसल के बाद हमारी जो आलू की भाजी है वो एकदम प्रिपेयर हो गई है, बहुत अच्छे से बन गई है। तो इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, और कोई सी भी रोटी के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, गेहूं की, बाजरे की, मकई की, जो भी रोटी आपको पसंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।